सिर्फ जख्मी होगा, मामूली सा, और तबीब कहेगा कि इन्हें फौरन अस्पताल ले जाने की जरूरत है और हम रास्ते में उन्हें अगवा करवा लेंगे। ये हमारा मंसूबा था। पेटकॉफ जिंदा है पाशा, अब आप ये सबातीन को बता सकते हैं कि कम अज कम वो पेटकॉफ के कातिल नहीं है, लिहाजा परेशान ना हो। सबातीन खुद को गोली हमारे हुक्म पर मारेंगे? कलमा पढ़ लो तुम लोग, ये तुम लोगों की जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं। जिंदगी की परवाह किसे है? लेकिन अहम बात यह है कि बगावत शुरू हो और बंदूकें बलगारवी गिरोह के हाथों में मौजूद हो। वो आदमी जिंदा है, ये बात तुमने बताई अब्दुल कादिर को? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। खामोश, कुछ नहीं सुनना मुझे। जनाब भागो भागो, जल्दी भागो, ये बंदूकें उठा लो जल्दी से, चलो चलो चलो, भाग निकलो यहाँ से। हम नहीं जानते ये किसने लिखा है, लेकिन वो सबहतीन को मारना चाहते हैं। गद्दारों की यही सजा है। क्या आपको नहीं लगता कि इन्हें फौरन अस्पताल मुंतकिल करना चाहिए? सनेहा सुल्तान, महल में मौजूद सवान सबहतीन साहब के इलाज के लिए काफी है। उसने कुछ भी नहीं किया, मैंने वो पैगाम अब्दुल कादिर को भेजा था। क्या? मैंने देखा कि अब्दुल कादिर बहुत परेशान है। मैं उन्हें उस जुर्म में दर्द बर्दाश्त करते नहीं देख सकती थी जो उन्होंने किया ही नहीं। मुझे माफ कर दे। सिन्हा सुल्तान को एक कमरे में नजर बंद कर दे। ये उस कमरे में रहते हुए सबहतीन के सेहतयाब होने का इंतजार करेंगी। महल वापस जाना होगा तुम्हें। मैं वापस महल नहीं जा सकती। मैं बीदार सुल्तान से इजाजत लेने के बाद ही महल छोड़कर आई थी। मैं रास्ता निकाल लूंगी,